इंडिया राइट, ये इंडिया से आए हैं सारे। ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एक तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया, आप भी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आपको मैं कराने वाला हूँ गोल्डन सर्कल का टूर। आपने सुना तो बहुत होगा, कभी भी आइसलैंड का आप सर्च करते होंगे गोल्डन सर्कल, लेकिन ये है क्या चीज़ गोल्डन सर्कल एक्चुअल में, वो आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैं कितने का खर्चा आएगा, क्या आएगा, सब बताऊंगा। इस वीडियो में जुड़े रहिए, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। बस आ गया भाई, अपने टूर पर चल गए। टूर का नाम है ग्रैंड गोल्डन सर्कल विद केरिड क्रेटर। ये पहला स्टॉप है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि व्हेल दिखाएंगे, 10 मिनट का स्टॉप है। और ठंड इतनी कुछ खास नहीं लग रही है, 3 डिग्री है, तो मैंने तो अपना ये जैकेट और ये हुडी पहनी हुई है। एक बहुत ही प्यारा लैंडस्केप है ये। कुछ मेरे को स्वालबर्ड की याद दिला रहा है, लेकिन स्वालबर्ड मैंने सिर्फ रात में देखा था, लेकिन मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि दिन में स्वालबर्ड भी ऐसे दिखेगा। दूर दूर पहाड़ दिख रहे हैं, बीच में पानी है और उस तरफ व्हेल है, दिखेगी तो दिखाता हूँ आपको। दिल खुश हो गया, इतना बढ़िया मौसम है, सूरज चमक रहा है, कोई बादल नहीं है, नीला आसमान। और ये आगे भी अपने सेकंड स्टॉप पे सिंक वैथियर, इसको अगर आप पढ़ोगे ना तो ऐसे एक पी है, INGVELLIR, और LL को बोलते हैं थिंक वैथियर। और एक चीज़ और, यहाँ पर ना ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एक तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और एक गाइड बता रहा था कि हर साल 2 सेंटीमीटर दूर हो रही है वो प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स, इसीलिए यहाँ पर भूकंप और ये वोल्केन एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर ना पार्लियामेंट स्टार्ट हुई थी 900 साल पहले आइसलैंड की, इसलिए काफ़ी हिस्टोरिक जगह है ये थिंक वैथियर। और आप देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं बता रहा हूँ कि ड्रिफ्ट हो रही है। ये एक तरफ ही आपको दिख रही होगी चट्टान, और एक तरफ ये एक्चुअल में प्लेट्स हैं। प्लेट भी मतलब यार एक पीस ऑफ लैंड ही होती हैं जो आपस में ड्रिफ्ट करते। इस तरफ देखो कितनी बड़ी बड़ी दिख रही हैं पहाड़ सा, तो एक्चुअल में कभी एक टाइम पर जुड़ी होती थी ये, ड्रिफ्ट करके फट गई तो बीच में ज़मीन निकलाई। और रेत देख रहे हो कैसी है यहाँ पर, बिल्कुल काली, आपको जूते के कलर से मैच होता हो दिख रहा होगा, देखो बिल्कुल काला बजरी सी है ये। तो आप बहुत जगह देखेंगे जब भी आप आइसलैंड आएंगे ना, गोल्डन सर्कल ये है क्या गोल्डन सर्कल, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। ऐसा इंडिया का अपना जो टूरिज्म पैकेज बिकता है ना, वो गोल्डन ट्रायंगल का बिकता है, पंजाब में ऊपर अमृतसर और नीचे राजस्थान, ऐसे ट्रायंगल और बीच में आगरा, ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे गोल्डन सर्कल है ये। अरे क्या विकसित चलता है, और यहाँ 3-4 एक्टिविटीज है, 3-4 जगह है जहाँ ये लोग रुकते हैं। एक रूम से क्रिएटर है, और एक ये थिंक वैथियर पार्क है, और एक चीज़ और है शायद मैं भूल रहा हूँ, गीज़र जहाँ से वो गर्म पानी उबाल मारता है ना, निकलता है। तो ये सब चीज़ घुमाते हैं, जैसे इसको गोल्डन सर्कल बोलते हैं। ऐसा कुछ है, गोल्डन सर्कल कोई जगह का नाम नहीं है, कन्फ्यूज़ मत होना आप जब भी कभी यहाँ, और पैकेज बुक करो। ये वाला मैंने इनसे बुक किया 70 यूरो का गेट योर गाइड से, और मैं लिंक डाल दूँगा, और आपको भी करना है आप भी कर सकते हो। और ये विजिटर सेंटर भी बना हुआ है, इसमें से आप अपना कॉफ़ी वॉफ़ी भी ले सकते हो। आपको भी दिखाता हूँ इसमें क्या प्राइसेज हैं। और 1 रुपये के अंदर लगभग लगा लो मोटा मोटा 1.70 आइसलैंडिक क्रोनर आते हैं, तो मोटा मोटा बोल सकते हैं 2 लगा लो यार आप। तो देखते हैं कितनी चीज़ें क्या महंगी हैं यहाँ पर। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज 500 ईयर ओल्ड वाटर टेस्ट लाइक। एक चीज़ आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, कभी भी घूमो ना आइसलैंड, सिर्फ खाली बॉटल रखो, पानी आपको फ्री मिल जाएगा। इस तरीके से शॉप है भाई, और ये आइसलैंड का झंडा है, सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का झंडा सेम है, ये क्रॉस है, कलर चेंज हो जाता है बस, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड पाँचों का। आपको प्राइस के लिए अंदाजे के लिए दिखाऊँ, अगर सपोज़ करो ये कैप है, जैसे ये कैप आपको लेनी है तो ये पड़ेगी 4000, यानी लगभग 2000 रुपये की, तो महंगाई आपको पता लग गई होगी। ये जैसे ग्लव्स लेने हैं आपको, ये पड़ेंगे 3400 रुपये के, 1700 रुपये उनका, तो 700-600 रुपये कुछ का सैंडविच पड़ेगा। यहाँ के प्राइस ऑब्वियसली महंगे होंगे क्योंकि ये टूरिस्ट सेंटर है। बाकी पानी भर लिया 0.5 लीटर, और कुछ पी भी लिया है, ग्लेशियर का फ्री में पानी भर लिया अपन। अरे भाई ये तीसरा स्टॉप है, ये गेजर सेंटर, गेजर कुछ भी बोलो, जब अपने उसमें ना मनीकरण में ऊपर जाते हैं पहाड़ों में, मनीकरण वहाँ गर्म पानी निकलता है,
सेम वही हिसाब किताब है। चलते हैं पैदल पैदल, अभी देखते हैं यहाँ पे है स्टॉप 1 घंटे 10 मिनट का, लंच भी कर सकते हैं, देखते हैं खाने पीने का क्या जुगाड़ है। ये भाई सबसे मेन जो है यहाँ पर, बाकी छोटे मोटे उस साइड ऊपर भी हैं, और ये हर 5 साइड में ना सब ब्लास्ट होके निकलता है, और जो दिख रही है ना आपको भाप, ये मतलब ये नहीं कि बॉयलिंग है, ये गैस है शायद, मतलब मूवीज़ की यानी शायद सल्फर है ये, और इससे फिनोमेना मैंने बाथ में भी देखा था जो यूके के अंदर है शहर, और पानी में मैंने हाथ लगाया तो पानी में ना वो छिपछिपा सा आता है, आपको कल मैं लेके जाऊँ व्यू लगूँ, वहाँ पर इसकी थेरेपी भी होती है, टर्की में भी था, सल्फर होता है शायद इसके नाटक में, याद है सिलिका और सल्फर, तो बदबू आ रही बड़ी गंदी जो भाप लाके उठती है ना से, तो इसने पार मार दिया। इसीलिए बोलते हैं इसको कंट्री ऑफ फायर एंड आइस, नीचे लगी है आग और ऊपर है आइस। भाई इस तरीके से प्राइस है, ये चिकन सैलड है 3,000 क्रोन की यानी 1500 रुपये की, और सूप भी लगभग लगभग इतने का ही है 2,500 का, तो लगा लो वही 1200-1300 रुपये का, और उस तरफ मिल रहा है ग्रिल पे बर्गर और फिश एंड चिप्स, वो भी 2500 कुछ की है, तो मतलब 1500 से नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको अगर खाना है तो। मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं भूख तो लगी ऑब्वियसली, सूप लूँ मैं या वो खाऊंगा, क्योंकि सूप यहाँ का मैं कहते हैं लोकल है, ये लैम्ब सूप लिया है, ये काफ़ी ट्रेडिशनल आइटम है यहाँ का, और ये ब्रेड भी लिया एक्स्ट्रा ले लिए, ये बैठ के बस खाते हैं फटाफट। अगर भाई कुछ ना ये हॉर्न सूप जो वो होते हैं ना सींग, इनको काट के पता नहीं असली निकली पता नहीं इनमें से कब बनाया है, रोड का या बियर वियर पीने के, जैसे कि ये वाला छोटा सा 3,000-1500 रुपये का है ये, अगर आपको ऐसा लेना है बियर के लिए 13,000-6,000 रुपये का पड़ेगा, ये वाला अगर चाहिए आपको कुछ इस तरीके का ये भी 13,000, ये भी 6,500 का, नहीं असली निकली है पता नहीं मेरे को। मैंने इस लेडी से पूछा कि ये हॉर्न पहली बात तो है किसका, मेरा रेनडियर का है, बोली नहीं ये बुल का है, बोले कि बुलते यहाँ पर इतने हैं नहीं, तो देन शी सेड दिस इज़ फ्रॉम इंडिया राइट, तो भाई ये अपने वहीं से बना लेना है सारे, यहाँ पैसे मत खर्च करना, ये इंडिया से आए हैं सारे, अपने यहाँ जो बैल होते हैं ना बैल उसका है ये। वो तो मैंने तुक्के से पूछ लिया, क्योंकि गाइड बता रहा था मेरा कि यहाँ पर ना रेनडियर भी नॉर्वे से लाए गए थे, सॉरी डेनमार्क से लाए गए थे, जब यहाँ पे डेनिश राज कर रहे थे, तो वो मेरे को लगा इतने कहाँ से बना रखे उन्होंने, कहाँ से आ गए इनके पास जानवर, इतने सारे जानवर तो है नहीं यहाँ पे, भेड़ है सिर्फ, तो बोले इंडिया से लाए हुए। बिल्कुल टाइम हो गया निकलने का, अब जा रहे हैं अगले स्टॉप पे जिसका नाम है गुलफोस। गुलफोस फोस मतलब वाटरफॉल ही होता है नॉर्वेजन में भी, फोस का मतलब फोसन वाटरफॉल, वहाँ जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है वो, उसके बाद जाएंगे कैरिड क्रेटर पे, तो टाइम बच गए अभी 3 घंटे और लगेंगे। ये आ गया भाई गुलफोस, पढ़ने में बताएं गुलफोस, और GULL का मतलब होता है ठंडा, और सिर्फ GUL का मतलब होता है पीला, और वो उस साइड जो आपको दिख रहा है ना वो है ग्लेशियर जहाँ से निकलता है वाटरफॉल सारा, और वो आइसलैंड का 2nd largest वाटरफॉल है। चलो भाई चलते हैं, वाटरफॉल बहुत है आइसलैंड के अंदर यार, बहुत है, मतलब ये अगर वो जो आप वो करोगे ना रिंग रोड करोगे, रिंग रोड है कि आइसलैंड जो पूरा आइलैंड है उसके गोलाई में चारों तरफ सर्कमफेरेंस का एक रोड है, तो उसको आप करोगे ना आपको काफ़ी कुछ दिखेगा, बर्फ जमी हुई है थोड़ा संभल के।
भाई लुक एट द शेयर साइज यार, कितना मैसिव है भाई ये, क्या भयंकर बड़ा है यार। डबल वाटरफॉल, एक वहाँ से गिर रहा है और फिर नीचे आके दोबारा यहाँ से गिर रहा है, ज़बरदस्त यार। और हवा चल रही है भयंकर ठंडी, मुँह पे लग रही है। आस पास चार तरफ बर्फ है, इवन नीचे भी बर्फ गिरी हुई है, हालांकि पिघल गई है। ज़बरदस्त भाई, मैंने नहीं देखा ऐसा वाटरफॉल यार, नहीं देखा भाई ऐसा। नॉर्वे में भी नहीं देखा, नॉर्वे में ना ऊँचे ज़्यादा हैं, चौड़े कम हैं, ये चौड़ा बहुत है। आपको आते हैं पूरे आइसलैंड के अंदर ऐसी चट्टानें दिखेंगी, देखना है ब्लॉक ब्लॉक से, और इनमें लाइन बनी हुई है, ऐसे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा, क्योंकि ये ना लावा से बना हुआ है। कि एक बार लावा आया वो ठंडा हो गया, डिपॉजिट हो गया, फिर दोबारा फटा बोल के दोबारा उसका लावा आया, तो लेयर बाय लेयर बनी है। इसलिए आपको ना सारी चट्टानें ऐसी दिखेंगी, यहाँ देखना ब्लॉक ब्लॉक जैसे रखे रखे हों, रोम्बॉइड से उनके रखे हों। तो इन जगह पर आगे ना मन नहीं भरता, हर एंगल से लगता है यार यहाँ से फोटो अच्छी आएगी, यहाँ से अच्छी आएगी, यहाँ से अच्छी आएगी। इन दी एंड इतनी सारी 100-150 फोटो हो जाती हैं, आखिरी में डालनी बंदे को एक ही होती है। तो वो मैंने मोमाया नहीं करी है, 3-4 खिंचवाई हैं, अच्छी आई नहीं आई जैसी भी आई। चलते हैं ऊपर अपना, ये पूरा चढ़ने का है ऐसे। तो मेरे को लग रहा है कि अभी तो खैर मार्च का महीना चालू हो गया, प्रॉपर विंटर के अंदर दिक्कत होती है, आपको जो क्रैम्पॉन्स होते हैं उनको ना जूतों के ऊपर वो कीड़े लग जाती हैं, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा यहाँ पर ना। काफ़ी भीड़ है लोगों की, देख रहे हो सारी टूर बसें फुल जा रही हैं। संडे है आज और गिने चुने हॉस्टल हैं देखे बिकने, इसके सारे फुल हैं। देखो भैया आइसलैंडिक घोड़े देख लो, घोड़े इतना ऊंचा तो नहीं है, लगा लो खच्चर, थोड़ा तगड़ा खच्चर लगा लो एक तरह से, बस थोड़ा सुंदर खच्चर है, बाल बाल हैं इसके। तो यहाँ से आप इसकी कुछ कैंडी वैंडी जो भी बेचते हैं वो ले सकते हो, 300 क्रोन की है, यानी 150 रुपये की, और आप खिला सकते हो। वगैरह खा खा के छिक रखे हैं, पूरा गूई गू कर रखा है उन्होंने, तो ये वो लगता नहीं वो खिलाने की ज़रूरत है, पूरा भरा हुआ है गू से इनका, दबाए खा रखा है उन्होंने। भाई ये फाइनल स्टॉप है अपना कैरेट क्रेटर, और इसकी 500 करोड़ इसकी वो है एंट्री, यानी 250 रुपये हमारी फ्री है, हमारा टूर के अंदर है। अपन जा रहे हैं इस तरफ क्रेटर के सर्कमफेरेंस के लॉन्ग, आप वॉक कर सकते हो, और इसकी चौड़ाई शायद 165 मीटर है, और ऊँचाई 55। और साउथ अमेरिका में कंट्री में नाम भूल गया हूँ, वहाँ पर ना वॉल्केनो बोर्डिंग भी होती है, ऊपर से आप जैसे स्नो बोर्ड होता है ना उस पर आते हो, लुटते हो नीचे कुलैंड में। यहाँ ऐसा आइसलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, वो भी करेंगे एक दिन ना साउथ अमेरिका में। बस क्रेटर देख के बस में आगे बैठ गए, और यहाँ से अब सीधा वापस रेकियाविक सिटी का सफ़र है। तो बीच में हम कहीं और नहीं रुकेंगे, सीधा रेकियाविक रुकेंगे, वहाँ उतरेंगे, और फिर आपको बताऊँगा मैं अपनी समरी, अपना रिव्यू कि आपको टूर करना चाहिए नहीं चाहिए। फिर वापस आ गए, टूर हो गया ख़त्म, और मैं सिर्फ एक ही लाइन में बोलना चाहूँगा, पैसा वसूल टूर है भाई, सिर्फ 68 यूरो दिए थे मैंने, कुछ भी नहीं होते हैं वो, और 8-9-7-8 घंटे का टूर है, पूरा बढ़िया टूर है, और सारा कुछ आप देख लोगे, और इतना महंगा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आओ तो कर लेना, अगर करना है तो लिंक दे देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, उससे बुक कर लेना, 2-4 पैसे की मेरी भी कमाई हो जाएगी, आपको भी सस्ता पड़ जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टाटा टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।